हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नई जानकी आज लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने 3 कलर लिए हुए हैं। ये मैंने अपना प्लेन धागा लिया हुआ है और ये कलरफुल धागा लिया हुआ है, ये देखिए। तो इसी से हम आपको तीनों कलर से बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुंदर सी लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे। ड्रेस बनाने के लिए मैंने 10 नंबर सिलाई ली हुई है और यहाँ पर हम 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आपको ड्रेस बताएंगे, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। सबसे पहले मैं अपना पिंक से फंदे डालूंगी और देखिए मैंने ये सॉफ्ट वाली वूल ली हुई है, जो पहनने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट लगेगी। तो यहाँ पर हम फंदे डालेंगे। फंदे आप किसी भी तरह से यहाँ पे ले सकते हैं, जोड़े से भी फंदे आप डाल सकते हैं डिजाइनर, और मैं यहाँ पे सिंपल फंदा ले रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे हम 20 फंदा ले लेते हैं। ये 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अठारह फंदे भी आप डाल सकते हैं लड्डू गोपाल जी, 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। तो जो 18 फंदे आप डालते हैं तो वो 4 नंबर को भी आराम से आ जाएगी। जैसे हम आपको 4 नंबर के लिए बता रहे हैं तो ये 5 नंबर को भी आराम से आ जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फंदा ले लिया है और फंदे डाल के हम चाहे तो आप 2 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बना लें, चाहे आप इसे जिस तरह से हम गले पे बॉर्डर बनाते हैं उस तरह से भी आप एक उल्टा एक सीधा इस तरह का बॉर्डर भी आप बना सकते हैं। काफ़ी ड्रेसों में मैंने इस तरह का बॉर्डर भी आपको अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी ड्रेसेस मैंने डाली हुई हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से और इजी तरीके से हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड से 2 सिलाइयाँ इस तरह से बुन लेती हूँ उल्टा उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये 2 सिलाइयाँ बना ली हैं, ये देखिए 1 2, यानी कि मैंने ये 3 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं, एक इधर से बना ली है। अब हम यहाँ पे चौथी सिलाई को बना रहे हैं। तो यहाँ पे अपना ये देखिए 1 2 और एक उल्टा बना ली है। अब उल्टी तरफ से हम अपना इसमें दूसरा वाला कलर ऐड करेंगे। ये देखिए, ये गले का बॉर्डर हमने पिंक से बनाया है और देखिए इस धागे को हम इस तरह से दबा लेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, हम हैं अब यहाँ पे ये दोनों तरफ से 2 सिलाइयाँ इधर से बुनी हैं और 2 सिलाइयाँ इधर से, तो ये अब हमारी 4 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। इसके बाद हम पहला फंदा हम अपना उतार लेंगे और धागा अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ पे मैं 2 फंदा अपना उल्टा बना लूँगी इस तरह से। इसके बाद हम हर फंदे से अपना फंदा बढ़ाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक उल्टा बनाया, उसी को धागे को पीछे किया, एक सीधा बनाया, फिर एक उल्टा बनाया और एक इस तरह से पीछे की साइड से सीधा बनाया। तो यहाँ पे हम फंदे से फंदा अपना बढ़ाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से,
तो यहाँ तक हम तीन फंदे तक रहने तक हम फंदा बढ़ा लेते हैं बाकी के फंदों पे, और तीन इधर नहीं बढ़ाया, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा ही बनाएंगे। तो चलिए मैं फंदा यहाँ तक बढ़ा लेती हूँ। तो फंदा यहाँ पे बढ़ाते हुए हम तीन फंदे तक आगे हैं। अब यहाँ पे दो फंदा उल्टा बनाएंगे, ये देखिए लास्ट का फंदा सीधा इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पे उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना के यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल हमारे ये 35 फंदे हो चुके हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, 35 फंदे ये हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे और दो फंदा बटन पट्टी के लिए उल्टा बना लेंगे। पीछे धागा करते हुए हम ये सिलाई सीधा बनाएंगे, पूरी सीधी बना लेंगे इसको। और 35 फंदे हमारे पास हैं ये सभी बढ़ाने के बाद। तो मैं यहाँ पे सीधी सिलाई बना लेती हूँ, इस तरफ से मैं पूरी सीधी सिलाई बनाऊंगी और उल्टी तरफ से इसको पूरा उल्टा बना लेंगे। और आपको इसके बाद फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं बता देती हूँ आपको, एक दो तीन चार, चौथी सिलाई को हम बना रहे हैं। तो आइए मैं यहाँ पे चौथी सिलाई को सीधा बना के और उल्टी सिलाई को भी बना के कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई को बना लिया है चौथी को, और उल्टी सिलाई को भी बना लिया है। तो यहाँ पे टोटल चार सिलाइयाँ हो चुकी हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पूरी सिलाई को मैं उल्टा बना रही हूँ, ये देखिए। पांचवी सिलाई को हम पूरा उल्टा बुन रहे हैं और उल्टी सिलाई को भी पूरा उल्टा ही बनाएंगे। पांचवी सिलाई हम ये देखिए इस तरह से बुन रहे हैं उल्टा उल्टा, और यहाँ पे हम उल्टी सिलाई को भी पूरा उल्टा बनाएंगे। उसके बाद हम आपको छठी सिलाई पे फिर से दिखाएंगे। तो आइए हम ये बना लेते हैं। तो पांचवी सिलाई मैंने बना ली है और उल्टी सिलाई को भी हम पूरा उल्टा बना लिए हैं। अब हम हैं यहाँ पे छठी सिलाई पे पहला फंदा उतार लिया है, दो फंदा उल्टा बनाएंगे। इसके बाद हम पूरी सिलाई को फिर से सीधा बनाएंगे, छठी सिलाई पूरा सीधा बना रहे हैं। पांचवी को उल्टा बनाया था, छठी को हम पूरा सीधा बना रहे हैं। तो आइए हम ये सिलाई को पूरा बुन लेते हैं यहाँ पे, फिर उल्टी सिलाई को भी पूरा बनाएंगे। इसके बाद हम सातवीं सिलाई पे आपको फिर दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स छठी सिलाई को बना लिए हैं, अब हम हैं सातवीं सिलाई पे। तो सातवीं सिलाई को हम पूरा उल्टा बनाएंगे फिर से, और उल्टी तरफ से इसमें हम बाजू घटाएंगे। उल्टी तरफ से बाजू घटाते हुए दोनों तरफ की ये सिलाइयाँ अगर गिने तो 16 सिलाइयाँ हो जाएंगी। अगर एक तरफ से ही गिनते हैं तो ये 8 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आइए यहाँ तक बुन लेते हैं। तो देखिए मैंने बुन ली है, ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब ये देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे मैंने ये अपना कंधे के लिए रखे हैं। आगे के फंदे हम यहाँ पे घटाएंगे। तो यहाँ पे हम पिंक कलर को लगाते हुए फंदे अपने बाजू के घटाएंगे इस तरह से। ये देखिए एक वापस सिलाई में डाला, दो वापस सिलाई में डाला, तीन वापस सिलाई में डालते हुए इस धागे को ये देखिए हम इस तरह से दबा लेंगे। एक दो तीन, और वापस सिलाई में डाला, चार वापस सिलाई में डाल के यहाँ पे, पांच और वापस सिलाई में डाल के छः। छः फंदे मैंने अपना ये बाजू के लिए कम कर दिए हैं। अब ये देखिए
इस धागे को हम यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद हमने अपना धागा यहाँ पे, साथ साथ भी आप धागे को ले जा सकते हैं। पीठ के लिए फंदे हम बना रहे हैं, अब 2, 3 और इस धागे को इस तरफ कर लेंगे ताकि आगे की बाजू भी घटानी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 11 और 12 और इधर के फंदे काउंटिंग कर लेते हैं, 3, 2, 5, 2, 4 और ये देखिए 11 फंदे हम बुन लेंगे यहाँ पे, 12 फंदे हम ये देखिए नहीं बुनेंगे, 5 फंदे कंधे के लिए हो गए और 6 फंदा हम अपना फिर से घटाएंगे, ये देखिए 6 फंदे। तो यहाँ पे पीठ के लिए 11 फंदे हो चुके हैं। अब ये देखिए इनको भी हम इस तरह से घटा देंगे, 1 वापस सिलाई में डाला, 2 वापस सिलाई में डाला। अब ये देखिए इस धागे को साथ साथ इस तरह से कर लेंगे, 3, 4, 5 और ये 6। अब यहाँ पे हम आगे का फंदा इस धागे को इस फंदे को इसमें डालेंगे और यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5 तो बाजू यहाँ पे ये देखिए इस तरह से घटा दी है। ये देखिए इस तरह से हमारी दोनों बाजू आएंगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम पूरी सिलाई को ये देखिए 2 फंदा उल्टा, इसके बाद पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे बाजू को के फंदे जॉइंट करते हुए, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैं 2 सिलाइयाँ सीधा सीधा बुन लेती हूँ और उल्टी सिलाई को उल्टा बुनूंगी इसके बाद आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बाजू के फंदे घटाने के बाद यहाँ पे 2 सिलाइयाँ अपना सीधा सीधा बुन ली हूँ। इसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे हम 2 फंदा उल्टा बना रहे हैं और यहाँ पे मैं उल्टी सिलाई पे ही, जैसे ही मैंने यहाँ पे गले पे फंदे बढ़ाए थे, सेम तरीके से यहाँ पे हर फंदे से फंदा अपना बढ़ा लेती हूँ और उल्टी सिलाई भी बन जाएगी और फंदे से फंदा भी हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैं घेरे के लिए फंदे से फंदा बढ़ा रही हूँ। तो आइए मैं यहाँ पे पहली सिलाई पे फंदा बढ़ा रही हूँ घेरे के लिए फंदे से फंदा। बाजू घटाने के बाद 2 सिलाइयाँ बना ली हैं, यानी कि दोनों तरफ की लगा करके 4 सिलाइयाँ। और अगर दोनों तरफ की लगा के सिलाइयाँ गिनते हैं तो 2 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये मैं बढ़ा लेती हूँ फंदा अपना इस सिलाई पे, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बाजू के फंदे घटाने के बाद 2 सिलाइयाँ बनाई थी। 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैंने यहाँ पे अपना फंदा बढ़ाया है और ये देखिए चोली तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुंदर सी चोली बनी हुई है। और इसके बाद हम अब ये घेरे के लिए फंदे बढ़ा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम दूसरी सिलाई पे अपना फंदा, हर फंदे से फंदा हम बढ़ा रहे हैं घेरे के लिए। तो यहाँ पे पहली सिलाई पे बढ़ा लिया है, अब दूसरी सिलाई पे बढ़ा रहे हैं। फिर हम इसके बाद तीसरी सिलाई पे भी, अगर हमें फंदा और ज़रूरत पड़ेगी तो तीसरी सिलाई पे हम फंदा बढ़ाएंगे।
तो यहाँ पे मैं बढ़ा लेती हूँ दूसरी सिलाई पे, और तीसरी उल्टी सॉरी उल्टी सिलाई को भी पूरा उल्टा बनाएंगे, और तीसरी सिलाई पे मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना 80 फंदा, दो सिलाइयों पे मैंने फंदा बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल 80 फंदे हो चुके हैं। अगर आप और भी बड़ा इसका ज़्यादा खुला घेरा बड़ा चाहते हैं तो आप और भी इसमें फंदे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 80 फंदा हो चुका है। अब यहाँ से ये देखिए, हम अपना इसमें वाइट कलर को ऐड करेंगे। तो देखिए किस तरह से एक दो फंदा उल्टा ही बनाएंगे हम, तीन चार और ये देखिए पाँच छः फंदे हमने बना लिए हैं। छः फंदे के बनाने के बाद हम अपना इसमें ये अपना मिक्स धागा ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक ही फंदे से एक बार बनाया हमने, अब ये दूसरी बार बना लिया, और लास्ट में हमने तीन फंदा हो चुका है, और इधर की साइड करते हुए चार फंदे हो चुके हैं। इसके बाद धागे को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और छह फंदा एक दो तीन चार पाँच और ये छह फंदे बनाने के बाद हम फिर से अपना एक बनाया, धागा अपनी तरफ किया, दो बनाए, धागा पीछे किया, तीन और फिर से धागा अपनी तरफ, चार। तो चार फंदे मैंने बनाने के बाद एक ही फंदे से मैं चार फंदा अपना यहाँ पे बढ़ा रही हूँ। इसके बाद आगे के फंदे हम एक दो तीन चार पाँच छः, अब ये देखिए एक बार और दिखा रहे हैं आपको, एक बार बनाया धागा अपनी तरफ, अभी इस फंदे को निकालेंगे नहीं हम, और ये दूसरी बार बनाया पीछे धागा कर लिया, ये तीसरी बार धागा अपनी तरफ, ये चार बार। तो एक ही फंदे से चार बार निकालने के बाद हम यहाँ पे अपना पीछे धागा कर देंगे और छह फंदा आगे का बुन लेंगे। बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, ये देखिए। अब यहाँ तक हम इसी तरह से बना लेते हैं, उल्टी सिलाई पे दिखा देते हैं आपको, पूरी सिलाई पे इसी तरह से हमने बनाते हुए जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बनाते हुए लास्ट तक आ गई हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ये मैंने सात फंदा अपना बना लिया है, इधर हमारे एक फंदा ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए हम इसी तरह से इसको बना लेंगे। ये देखिए अब हमने उल्टी सिलाई पे हैं, ये देखिए एक ही फंदे से मैंने यहाँ पे चार फंदे अपने बनाए हुए हैं, यानी कि तीन फंदा मैंने बढ़ाया है। इसके बाद तीन फंदे बढ़ाने के बाद तो देखिए उल्टी सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, ये छह फंदे इसी कलर से हम बुन लेंगे इस तरह से, और हमने आगे के फंदे ये देखिए ये मैंने बुन लिए, और इनको हम सिलाई पे इस तरह से स्लिप कर लेंगे, ये देखिए, और आगे के फंदे हम बुन लेंगे। ये देखिए दो तीन चार पाँच छः, और ये आगे वाले फंदे हम अपना स्लिप करेंगे अपनी सिलाई पे, इनको हमें बुनना नहीं है, उल्टी सिलाई पे हम इन फंदे को इसी तरह से अपनी सिलाई पे ले लेंगे बिगर बुने। ये देखिए इस तरह से, तो इन्हें बिना बुने उतार लेते हैं, धागा हमने यहीं पे छोड़ दिया है, इन्हें हम बुना बगैर बुना उतार लेते हैं और उल्टी सिलाई को पूरा बना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उल्टी सिलाई को बना लिया है, ये वाइट वाला फंदा मैंने बिना बुने अपनी सिलाई पे उतारा था उल्टी तरफ से। अब ये देखिए यहाँ पे हम
पीछे धागा करेंगे, सभी फंदों को सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पे एक फंदा इस वाला इसमें से और एक फंदा ये वाला, तो हम दोनों फंदों को एक साथ बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे ये फंदा हमारा, तो ये मैंने, तो देखिए मैंने दो फंदा एक साथ बना लिया है और एक वाइट वाला। अब ये देखिए यहाँ पे तीन फंदा वाइट का है। अब इन फंदों को हम सिलाई पे उतारेंगे, सॉरी ये देखिए इस फंदे को हम यहाँ पे, ये देखिए तीन फंदों को इस तरह से करेंगे, इन तीनों फंदों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे ये ग्रीन वाला फंदा हम आगे ले आएंगे। तो ये फंदा हमने इस तरह से बुन लेना है, ये देखिए। और यहाँ पे एक फंदा घट चुका है, जो मैंने दो फंदे अपना बढ़ाए थे दोनों फंदे हमारे घट चुके हैं, ये देखिए दो तीन चार फंदे बना लिए हैं। अब ये देखिए दो फंदा एक साथ बनाएंगे, तो यहाँ पे एक फंदा मेरा घट चुका है, अभी तीन फंदे हैं। और एक फंदा हम किस तरह से घटाएंगे, ये देखिए ये देखिए इस तरह से कर लेंगे, सॉरी पीछे की तरफ से हमने ले जाने हैं, ये देखिए इस तरह से पीछे की तरफ से आगे की तरफ लाना है फंदा हमने। और इसको हम यहाँ पे दूसरे फंदे के साथ बना लेंगे, तो दो फंदा घट चुका है। हम आपको तीन फंदा हम बढ़ाए थे, ये देखिए दो फंदा घट चुका है यहाँ पे, एक फंदा यहाँ पे घटाया है और एक यहाँ पे, और यहाँ पे तीसरे फंदे को इसके साथ इस तरह से घटा देंगे, ये देखिए इस तरह से एक दो तीन। अब ये देखिए दो का एक इस तरह से, अब दो का एक करते हुए ये देखिए इस तरह से हम सिलाई में डालेंगे और इन फंदों को छोड़ देंगे और वापस इस सिलाई में डाल लेंगे और इसको इस तरह से करते हुए दो का एक बना लेंगे, ये देखिए। और इन दोनों को एक साथ पीछे की तरफ से बना देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम यहाँ पे पूरा अपना डिजाइन बना के कंप्लीट करते हैं। इसके आगे उल्टी सिलाई को भी बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से बना लिया है, ये जो तीन फंदा मैंने बढ़ाया था वो मैंने घटा लिया है और उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाया है, ये देखिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपना फ्लावर बनाएंगे, तो देखिए किस तरह से एक फंदा सीधा बना लिया है, दो फंदा उल्टा बना लेते हैं। इसके बाद चार पाँच और ये छः, और यहाँ पे बीच वाला जो फंदा है हमारा, ये देखिए आप देख सकते हैं, इसी पे हम अपना डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे, तो इस धागे को हम इसी में नॉट लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नॉट लगा लिया है। अब ये देखिए इस धागे को हम इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पे ये देखिए रोज बनाएंगे हम फ्लावर अपना। एक थोड़ा सा फंदे को ढीला रखेंगे, दो तीन, एक ही फंदे से बना रहे हैं हम, चार पीछे धागा, पांच धागा अपनी तरफ,
छः और धागा पीछे सात, सात फंदे मैंने बना लिए हैं। ये देखिए मैंने सात फंदे बनाए हैं, यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। तो यहीं से मैं सिलाई को पलट गई हूँ। इसके बाद सभी फंदों को यहाँ पे बुन लेती हूँ। दो तीन चार पाँच छः छः सात। अब फिर से हम सिलाई को पलट जाते हैं, धागे को इस तरह करेंगे और यहाँ पे इस धागे को इस तरह से ले आते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हम दो सिलाइयाँ बना चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ये उल्टी सिलाई को पूरा बुना लूँगी, सात फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, तो ये सात फंदे मैंने उल्टा उल्टा बुन लिए हैं। तो यहाँ पे पहली सिलाई पे बनाए थे हम सात फंदे एक फंदे से, और हमने उल्टी सिलाई को बना लिया था। अब ये तीसरी है और इधर से हमारी ये अब फ्लावर वाली चौथी सिलाई है। तो यहाँ पे ये देखिए एक चार फंदों को हम एक साथ बनाएंगे, चार फंदे मैंने एक साथ बनाए ये देखिए, और यहाँ पे तीन फंदों को हम एक साथ बना लेंगे ये देखिए। अब इसके बाद सिलाई को पलट जाएंगे। पलटने के बाद क्या करेंगे, इस फंदे के ये वाला फंदा हम इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे और इसको सिलाई पे इस तरह से पीछे धागा करते हुए इस सिलाई पे उतार लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पिंक कलर का रोज बन चुका है। आगे के हम फंदे अपना फिर से बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब ये देखिए बीच वाले फंदे पे ही हम फिर से अपना, ये देखिए एक बार और आपको बता रही हूँ, एक हम बना चुके हैं सेम तरीके से सभी को बनाएंगे। ये देखिए एक धागा अपनी तरफ, दो धागा पीछे, तीन धागा अपनी तरफ, चार धागा पीछे, पाँच पाँच हो चुके हैं धागा अपनी तरफ, छः धागा पीछे, सात। तो सात फंदे मैंने बना लिए हैं। सात फंदे बनाने के बाद यहाँ पे सिलाई को पलट जाएंगे और पलटने के बाद हम यहाँ पे सातों फंदों को बुन लेंगे, तीन चार पाँच छः और ये सात। तो एक सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ से हम सातों फंदों को फिर से अपना उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात। बुनने के बाद हम सिलाई को फिर से पलट जाएंगे। पलटने के बाद यहाँ पे ये चौथी सिलाई है, तो इनको हम दोनों तरफ की बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे चार फंदों को तो एक साथ हम बुन लेंगे। ये देखिए चार फंदे एक साथ बनाए और तीन फंदों को एक साथ बनाएंगे। इस तरह से फ्लावर हमने बनाना है। ये देखिए सिलाई को पलट जाएंगे। पलटने के बाद हम इस वाले फंदे को, ये देखिए इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे और यहाँ पे ये देखिए आगे के फंदे हम, ये देखिए फिर से बुन लेंगे। तो इसी तरीके से सेम हम सारे बना के अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। अगर आपने इससे भी छोटा बनाना है तो आप इसमें कम फंदे भी बढ़ा सकते हैं। तो सभी को मैं इसी तरह से बना के कंप्लीट करूँगी यहाँ पे। और ये कंप्लीट करने के बाद हम अपना दो सिलाइयाँ ग्रीन से ही बनाएंगे। उसके बाद अगर फ्लावर डालना है तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं, सिंगल फ्लावर हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद हम दो सिलाइयाँ बनाएंगे, उसके बाद हम इसका बॉर्डर बना लेंगे।